हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट सेवई की खीर। सेवई की खीर की इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब ईद आती है, क्योंकि ईद पर भी सेवई को दूध के साथ इसकी खीर बनाई जाती है, जिसे कि शीर कोरमा कहते हैं। शीर कोरमा एक रिच रेसिपी है, जिसे हम सेवई की खीर का लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं। शीर कोरमा के लिए हमें दूध को अच्छी तरह से खौला कर गाढ़ा करना है, मींस हमें रिड्यूस करके इसकी क्वांटिटी से इसे हाफ करना है। तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और सेवई ऐड करेंगे, फिर बनेगा स्वादिष्ट शीर कोरमा। जब मिल्क बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिरौंजी, एंड इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर। ये ऑप्शनल है, बट केसर से खीर का कलर और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं। एंड जो अब मेन इंग्रेडिएंट है, हम उसे ऐड करेंगे, डेट्स। आप कोई भी डेट्स ले सकते हैं। डेट्स के सीड्स अलग करके इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, फिर मिल्क में ऐड करें। अगर हम क्लासिक शीर खुरमा की बात करें, तो खुरमा का मतलब ही खजूर होता है, इसलिए इसमें खजूर ऐड करना इम्पॉर्टेंट है। आप खजूर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। डेट्स में अपनी एक मिठास होती है, जब ये मिल्क में ऐड किया जाता है तो मिल्क में भी मिठास आ जाती है, और मिल्क के साथ जब ये बॉयल होता है तो ये एकदम घुल जाता है, एंड ये मिल्क को भी गाढ़ा कर देता है। ये डेट्स शीर खुरमा के टेस्ट और कलर दोनों को ही बढ़ा देते हैं। अब हम मिल्क में ऐड करेंगे थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। मैंने कैश्यू एंड वॉलनट्स लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। शीर खुरमा एक रिच डेजर्ट है, इसलिए हम इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और डेट्स ऐड करेंगे, जिससे ये रेसिपी रिच हो जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ी मिठास बढ़ाने के लिए ऐड कर रही हूँ मिश्री पाउडर। आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मिश्री पाउडर शुगर का हेल्दी वर्जन है, इसलिए मैं मिश्री पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको शीर खुरमा का मतलब क्या होता है। शीर खुरमा एक फारसी शब्द है, जिसमें शीर का मीन्स होता है मिल्क, एंड खुरमा मीन्स होता है डेट्स। मीन्स मिल्क एंड डेट्स को जब बॉयल करके सर्व किया जाता है तो इसे शीर खुरमा कहते हैं। बट समय के साथ ये रेसिपी और लेटेस्ट हो गई है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और सेवई भी ऐड हो गई है। शीर खुरमा की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट ये एक रिच और फेस्टिव डेजर्ट है, जिसे ईद में खास तौर से बनाया जाता है। तो चलिए, जब तक हमारा मिल्क रिड्यूस हो रहा है, हम सेवई को थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे। वैसे तो इस डेजर्ट के लिए वर्मिसली वाली सेवई यूज होती है, बट मैंने इसमें रोस्टेड आटे की सेवई ली है। ये ऑलरेडी रोस्टेड है, बट हम इन्हें घी के साथ थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे, फिर इसे हम मिल्क में ऐड करेंगे, क्योंकि घी में रोस्टेड सेवई से खीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है, और जनरली लोग इसे सेवई की खीर या शीर खुरमा के नाम से ही जानते हैं। सेवई को हमें बिल्कुल लाइट रोस्टेड करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है। ये देखिए, मिल्क भी हमारा एकदम रिड्यूस होकर काफ़ी कम हो गया है, एंड केसर और डेट्स का बहुत अच्छा कलर भी आया है। अब हम इस मिल्क को सेवई में ऐड कर देंगे। मिल्क रिड्यूस करना एंड इसे धीरे धीरे पकाना, ये इस खीर का मेन पार्ट है। शीर खुरमा की निशानी है कि मिल्क हमारा रिड्यूस होकर थिक हो जाए, एंड इसका कलर थोड़ा सा भूरे रंग का हो, तब ये डेजर्ट रिच और टेस्टी बनता है। ये देखिए, मिल्क काफ़ी अच्छे से पक गया है विदाउट शॉर्टकट। इसे हमने पेशेंसली काफ़ी टाइम पकाया है। अब इसे हम सेवई में ऐड कर देंगे। जब सेवई में आप मिल्क ऐड करें, तो गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दें, अदरवाइज मिल्क उफन कर बाहर आ जाएगा। मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि सेवई ना पक जाए। वैसे टाइम बहुत नहीं लगेगा, ये कम टाइम में पककर तैयार हो जाएंगी। इसे रेगुलर चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, इसमें खजूर का बेहतरीन फ्लेवर और शानदार कलर भी है, एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स
और गाढ़े दूध का टेक्सचर, ये सब मिलकर इस शीर खुरमा को बहुत ही रिच बना देते हैं। अगर आप यही डेजर्ट वर्मीसिली से बनाते हैं तो भी ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक्चुअली कहा जाए तो ये वर्मीसिली से ही बनाया जाता है। ये देखिए सेवई हमारी पक चुकी है। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे आप 10 से 15 मिनट ढक कर रख दें। ये लीजिए, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, इसलिए हमें इसे बॉयल करते समय बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है। अब ये परफेक्टली तैयार है सर्व करने के लिए। इन केस अगर आपके पास डेट्स नहीं है तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप उसके बिना भी ये सेवई की खीर या शीर कोरमा बना सकते हैं। इसे आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये दोनों ही स्टेज में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो लीजिए फाइनली स्वादिष्ट और कंफर्टिंग शीर खुरमा या सेवई की खीर बनकर तैयार है। अब इसे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट से गार्निश करें एंड सर्व करें। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Forever, we can give this whole town something to talk about.